फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डिजाइनिंग में पेडल ब्लाउज सिलाई करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह से सिलाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। यहाँ पर हम पेडल ब्लाउज को सिलाई करने के लिए यहाँ पर देखिए हम फेब्रिक और अस्तर को अलग अलग से तैयार करूंगी। तो सबसे पहले देखिए हम फेब्रिक में सिलाई लगाऊंगी। यहां से देखिए हम नीचे से हम मिलाकर सिलाई करूंगी। और यहां से भी देखिए देखिए हम साइड से एक पीको कर लूंगी। फिर देखिए हम ऊपर से एक सिलाई लगा लूंगी। फिर हम बास पॉइंट लगाऊंगे यहाँ से देखिए, जैसे कि टक्स पॉइंट। ये टक्स पॉइंट में यहाँ से 10 इंच का रखूंगी और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा हाफ इंच टू टोटल 10.5 इंच का यहाँ से मैं टक्स पॉइंट लगाया है। ये ब्लाउज हम 36 साइज के हिसाब से यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पर पैडल लगाऊंगी। यहाँ पर मैं 38 साइज का पैडल लिया है, 2 साइज हम बड़ा लिया है। तो 36 साइज में हम 2 साइज बड़ा लेने से ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से मिडल से इस तरह से बराबर मिलाकर चौक से निशाना लगा लूँगी। जहाँ पर हमें ठीक मिडल को बराबर रखना है उसी में हम चौक से निशाना लगा लिया। तो यहाँ पर देखिए चक्का निशाना लगा लिया। तो अभी इसको इस तरह से हम उल्टा लगा लूंगे और यहाँ से हम ठीक बराबर रखूंगे इस तरह से। तभी देखिए हम पिन से पिनअप लगा लूंगे। फिर इस पिन को खोलूंगी और यहां से भी पिन खोलूंगी। तब इसको सीधा तरफ से रखूंगी। उसके बाद देखिए हम फ्रंट पार्ट लूंगी फेब्रिक को और यहाँ से देखिए होंगे और यहाँ से हम पिन अप मिला लूंगे। फिर देखिए हमने को इस तरह से छोटा छोटा काट लगा लूंगा।
उसके बाद देखिए हम अस्तर को इस तरह से करूंगे और ये जो सिलाई किया हुआ है इसको हम इस तरफ से रखूंगे। ये देखिए हम सीधे साइड की तरफ से पलट लिया, तब हम कमर के साइड की तरफ से एक सिलाई लगाऊंगी। देखिए जैसे कि फैब्रिक और अस्तर अलग ना हो तो इसलिए हम यहाँ पर इस सिलाई को लगाना जरूरी है। तभी देखिए फ्रंट पार्ट हम अटैच कर लिया है, तब हम बैक पार्ट सिलाई करूंगी। तब तक के लिए हम इस पार्ट को साइड की तरफ से रख दूंगे। और ये अस्तर है देखिए, बैक साइड में देखिए हम डिजाइनिंग नेक के साथ यहाँ पर सिलाई करूंगी। बैक पार्ट की तरफ से हमें जहाँ पर डिजाइनिंग किया है वहाँ पर हम नेक पुट्टी यूज नहीं करूंगे, बिना नेक पुट्टी से हम यहाँ से सिलाई करूंगे। पहले देखिए इसको हम पिन से मिला लूंगी, पिन अप कर। तब देखिए यहां से काट लगा लूंगी। बैक साइड की तरफ से हमें हुक रखूंगी। पलटने से पहले देखिए हम अस्तर का साइड की तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे। हम सीधा साइड की तरफ से इसको पलट लेंगे। फिर देखिए हम हुक पट्टी अटैच कर लूंगे और यहाँ से जिस साइड में हमें हुक का घर बनाना है इसको हम देखिए उल्टा साइड की तरफ से सिल लूंगे। यहाँ से जैसे कि हम पहले जब नेक पट्टी सिलाई करते ब्लाउज में थी देखिए यहाँ भी सिलाई करूंगी। और अभी देखिए इसको काट लेने के बाद यहाँ पर देखिए नेक पट्टी का साइड की तरफ से और एक सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको देखिए यहाँ से इस तरह से हम थोड़ा सा फुल कर यहाँ से सिल लूंगी। उसके बाद हम सामने की तरफ से इसको फोल्ड कर सिलाई करूंगी। फिर देखिए यहाँ से हाफ इंच का लगभग और एक सिलाई लगाऊंगी जैसे कि हुक अगर सीरियल दर सीरियल इधर उधर ना हो। तभी देखिए जिस साइड में हुक लगाना है उसी की तरफ से हम ये पट्टी लगाऊंगी। इसको देखिए सीधा साइड की तरफ से सिलाई किया है और उल्टा साइड की तरफ से इसको फोल्ड कर सिल लूंगी। और इसको भी देखिए हुक पट्टी के साइड की तरफ से एक सिलाई लगाऊंगी फिनिशिंग के लिए। तो अभी देखिए इसको हम उल्टा साइड की तरफ से इस तरह से फुल कर सिलाई कर लूंगी। और यहां से देखिए हम दांत सिलाई करूंगे। और ये मैं देखिए हम 2 इंच तक सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से हाफ इंच से हम सिलाई करूंगी। तो यहाँ पर हमें हुक पट्टी सिलाई किया है इसको देखिए बराबर इस तरह से मिलाकर देखना है। तो अभी देखिए यहाँ का जो नेक पट्टी है हम इसको सिलाई लगा लूंगा। मेरे पास देखिए गोल्डन कलर का अस्तर कम है तो इसलिए मैं यहाँ पर दूसरा कलर का नेक पट्टी सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि ये तो अंदर की तरफ ही रहेगा और दिखाई भी नहीं देगा। तो इसलिए येलो वाला फैब्रिक से हम यहाँ पर
नेक पोती सिलाई कर रही हूँ। फिर हमने कुछ छोटा छोटा यहाँ से काट लगा लूंगी, देखिए इसको पलटने के लिए। फिर हमने एक पुटी के तरफ से यहाँ पर देखिए सिलाई लगा लूंगी। फिर इसको देखिए इस तरह से हम फुल करके सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पर हम लेस से डिजाइनिंग बना लूंगी और यहाँ से देखिए हम सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अभी यहां से ज्वाइन कर दूंगे। फिर देखिए हम बाजू सिलाई कर लूंगे। फिर देखिए हम यहाँ से साइड से ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए हम कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, ब्लाउज 36 साइज है तो हम 36 के हिसाब से यहाँ पर फिटिंग लगा लूंगी। उसके बाद हम कमर पट्टी सिल लूंगी। यहाँ से देखिए हाफ इंच लगा सिलाई करूंगी। फिर देखिए कमर पट्टी के साइड के तरफ से सिलाई लगा लूंगी। फिर देखिए यहां से इस तरीके से हम फुल करेंगे। इस सिलाई को हम 12 सिलाई करूंगी क्योंकि हम इसको हाथ से सिलाई करने के बाद इसको खोल लूंगी। यहाँ पर देखिए सिलाई पूरा कंप्लीट है। फिर देखिए हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए हुक भी हम यहाँ पर अटैच कर लूंगे।
यहाँ पर देखिए हुक भी अटैच कर लिया, और ये देखिए फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में हम सिंपल यहाँ पर नेक काट किया है, बैक साइड की तरफ से हम डिजाइनिंग नेक रखकर यहाँ पर सिलाई किया है। ये देखिए बैक साइड का नेक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पेडल ब्लाउज सिलाई करना बहुत ही इजी है। तो आप लोग भी खुद के लिए ब्लाउज घर पर ही बनाकर पहन सकती है। तो इसका फिटिंग्स भी मैं आप लोग को दिखा दूँगा किस तरीके से इसका फिटिंग्स आया है, तो एक बार देख लीजिए आप लोग खुद। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बैक साइड की तरफ से हम इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन रखा है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए।